चारधाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने सड़कों का निरीक्षण किया। रोड की सुरक्षा को लेकर एनएच के अधिकारियों को भी जिला अधिकारी ने कड़े निर्देश दिए। हरिद्वार लक्सर राजमार्ग पर धीमी गति से हो रहे चौड़ीकरण कार्य में तेजी लाने के साथ ही जगह जगह साइन बोर्ड लगाने के भी डीएम ने आदेश देते हुए चारधाम यात्रा के दौरान मार्ग पर 150 होमगार्डों की तैनाती के भी निर्देश दिए, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस मौके पर हरिद्वार से लेकर लक्सर तक चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। डीएम ने कहा कि अगर इस हाईवे पर कोई भी सड़क दुर्घटना होती है तो ठेकेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस पे जो ब्रिजेस बने हैं वो भी इनकम्प्लीट हैं, बहुत सी जगहों पे बॉटलनेक्स हो गए हैं। तो लॉन्ग टर्म तो खैर इसका सलूशन यही है कि इसका एनएच का काम पूरा हो, लेकिन फिर भी अभी हमारा फोकस ये रहता है कि जो चोकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा मैन पावर दे दें। जैसे 150 पीआरडीएस अभी हमने पुलिस को उपलब्ध कराए हैं केवल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, होमगार्ड्स भी आगे इसमें दिए जाएंगे। और दूसरा ये रहता है कि साइनेजेस अगर अच्छे हों तो पैसेंजर्स को ड्राइवर्स को दिक्कत नहीं होती, पता रहता है कब कहाँ मुड़ना है किधर जाना है, तो इस पे हमारा फोकस। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।